हेलो भाई, मैं उंडवार। हमें भी एक जगह DISKIT डिस्किट, और अभी हम निकल रहे हैं। 9 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं। ये 2700 का रूम था जिसमें ब्रेकफास्ट था और डिनर भी इंक्लूडेड था बुफे। चलते हैं। चलो ब्रो भाई, इसमें तो है कॉर्नफ्लेक्स। ओके, अब इसमें दूध, और इसमें है पोहा जो खत्म हो गया, हमने लेट कर दिया इतना। हाँ ब्रो, है यार। हाँ, इसमें ब्रेड और जाम है। ब्रेड इसमें कुछ और होगा पक्का, फिर लाएगा ना फिर पराठे होंगे। हाँ, अचार है क्योंकि इसमें ब्रेड होगा, ब्रेड जाम और भाई कॉफी वगैरह है, और बस सीधे ट्रांसफर। हाँ भाई, लो कैच इट, लो। अरे ये अभी हम आए हैं भाई नूबरा वैली में। यहाँ पे ये ऐसे गाड़ी सी चलती है, ये देखो ये इस टाइप की। तो 1000 रुपए बोल रहा था ना, और इनका बंदा रहेगा साथ में ऐसा। पर 1000 रुपए 3 किलोमीटर के तो बहुत ज्यादा है, तो नहीं कर रहे ना हम लोग। इसमें गो कार्टिंग का देखेंगे अगर बैठा, मतलब अपना हिसाब किताब। और यहाँ से पेंगोंग लेके 228 किलोमीटर, और हम 4 बजे पहुँच जाएंगे अगर अभी निकल जाते हैं, अगर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें इस जगह पे। तो अभी हम लोग बोले कि यार यहाँ पे तो करने नहीं दे रहे, हम इधर करेंगे अपनी ट्रैक पे। तो हमने क्या नहीं, रस्सी तो नहीं होगी, नहीं नहीं रस्सी तो नहीं है। बोला कि हम यहाँ पे करेंगे, उस दिन की तरह हमको लगा कि ऐसे ट्रैक मस्त है जैसे हमने पार्ट 2 में करा था। मैंने चेक भी करके बताया था पर अरुण माना नहीं। पर है जीप है तो मुझे लगा कि हो जाएगा। नो 4x4 ब्रो। अरे हद तक तो मिट्टी ठीक दिख रही है यार ये। नहीं तो पर इनकी तो गाड़ी चल रही है यार, हमारी धस गई बुरी तरह। भारी है ना उनकी यार। ये तो सही है, ये इसमें थोड़ा सा जान लगाएंगे ना, ट्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा ना। मैं बताता हूँ क्या कर। यहाँ पत्थर लगा एक इस टायर के पीछे। अच्छा, फिर उस टायर पे ट्रैक्शन वो बन जाएगी, पर छोटा पत्थर लगाना पड़ेगा। रुको रुको, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। नहीं निकलेगी भाई, मैंने देख लिया ना हालत। रुको तो सही। तो भाई ये ना निकल रही है यार, ये 4x4 होती तो यहाँ पे निकल जाती है आराम से। पर अब आर्मी वाले कितने अच्छे, 2 ट्रक गए, दोनों ने पूछा हेल्प चाहिए। जब तो जोश जोश में कहते नहीं नहीं निकाल लेंगे निकाल लेंगे, है ना। नहीं भाई, अरुण पवार पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कह रहे थे निकाल लेंगे। अब भाई ना निकल रही यार, ट्राई करो एक बार, बैठो। मेरे से कुछ नहीं होगा। अरे बैठो करो तो सही भाई, ड्राइवर ड्राइवर का फर्क होता है। ये मैं बता रहा हूँ मिट्टी खोदनी पड़ेगी पीछे। चलो तो खोदते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे खोद के थोड़ा मैट से ट्राई कर रहे हैं, जब देखा था ये ट्रिक ना ट्रैक्शन बनाने के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल आता है इस गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, कर कर पीछे कर भाई, वो मैट को अंदर ले गया, मैट भी अंदर गया। हाँ ले गया, लग रहा ऑफ करके देखो ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कर अंदर बंद कर शीशा, ये तो मैट को भी खा गया भाई, देखना मैट को खा गया। अब बस एक चीज हो सकती है, पीछे से कोई खींचेगा ना बस, इसलिए कहते हैं 4x4 लो। इसीलिए मैं कह रहा था 3 लाख और डाल दो बस आज के दिन के लिए। हाँ तेरे फन के लिए 3 लाख डाल दे। हाँ यार आराम से इसमें कैसे ही ले जाते हैं यार। कैसे डाल दें, ये कैसे निकल गया इसका, ये तो नहीं निकला। खैर पीछे से धक्का लगाएगा कोई, तो पीछे से नहीं आगे से। हाँ सॉरी, मतलब वैसे पीछे से खींच लेगा तो एंडोवर वाले को रुकवा ले। ये भाई अपने देहरादून वाले भाई रुक गए थे मदद करने। सारी खोल दे अरुण, खिड़की खोल दे, सब हाथ लगा लेंगे। चल चल टूट गई रस्सी, टूट गई।
ओ फाइनली अपनी कार निकल चुकी है भाई। भाई कार निकली कुछ भी भाई, देखो कर्मा हमेशा हेल्प करेगा आपकी। कल हमने बाइक वालों की करी, आज हमारी दुनिया रुक गई भाई हमारी हेल्प करने के लिए। बहुत दुनिया भाई सही उसकी में। उसकी रस्सी भी टूट गई, वो चाहता तो कह देता यार टूट गई रस्सी जा रहा हूँ मैं, दोबारा बांधी बंदों ने सबने। कम से कम कितने बंदे 15-20 रुक गए भाई। करेंगे अब भी ट्राई, अब भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख लो यार बहुत ही खतरनाक वाला सीन था, बहुत अंदर टायर धस गया था। फिर हमने वीडियो नहीं बनाई कि सब हेल्प कर रहे हैं हम, ऐसे वीडियो बनाए बहुत इलॉजिकल लगता है। फिर इसका ना इसमें वो स्टार्ट असिस्ट वगैरह आता है, ऑफ कर दिया उसके बाद तो कट्टे जैसे निकल गए इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग। चलो कोई नहीं, हो गया एक्सपीरियंस भी। भाई आप एडवेंचरस बंदे हो, इतना तो चलता है। हमारा मैट भी फट गया भाई, यार मैट तो आपको दिलवा देंगे। देखो ओरिजिनल, आई ओनली प्रेफर, मैट फट गया, कोई नहीं वो दे देंगे जीप वाले, और क्या दे तो देंगे। यहाँ पे हमारी कार में डीजल है, लेकिन नवांकुर भाई बोल रहे हैं कि डलवा लेते हैं, और क्योंकि 200 जाना 200 आना 400 क्या पता पहाड़ों में ना दे एवरेज ना चले ढंग से, तो 1000 एक ही आएगा इसमें लास्ट। पता है क्योंकि हमने कल से सिर्फ 120 चलाई और 25% घट चुकी है टंकी। हाँ तो हम वापसी आए हैं अब ये सोच के, यहीं पे कहीं तो था पेट्रोल पंप, तभी सभी भरवा रहे हैं सभी, और एक ही मशीन है यहाँ पे बस सब भरवा रहे हैं। इतना वेट तो हमने किसी फ्यूल स्टेशन पे आज तक नहीं करा जिंदगी में, इतनी भीड़ थी। अब कोई 10-15 मिनट में नंबर आया अपना। यहाँ पे है ये 96 रुपीज, अभी देखते कितने का आता है इसमें। कादर में 1000 का ही आएगा भाई, 1000 का ही आया भाई, टोटल नेट फुल हो गई है। पेंगोंग लेक हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ के रोड्स बहुत एडवेंचरस हैं। मतलब ड्राइविंग का अगर आपको शौक है तो आप एक बार, मैं तो ये बोलता हूँ लाइफ में जरूर यहाँ पे आके ड्राइव जरूर करें भाई, जो मजा आता है ना ऐसे रोड्स पे चलाने में। आगे देखो एकदम एडवेंचरस, वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज है। हाँ भाई छोड़ दो पेंगोंग लेक तक। नहीं मैं सॉरी भाई, यहाँ से थोड़ा ही रह गया भाई। यहाँ पे पता नहीं कोई सैड सा पड़ा है, ये नूबरा वैली तो खैर नहीं है। यहाँ से ये वाले पहाड़ इतने मस्त लग रहे हैं रियल आंखों से, जो बर्फ पड़ी है उस पर धूप पड़ रही है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर पेंगोंग लेक पता नहीं कितना बच गया है, GPS लॉस्ट है, अपने नेटवर्क से नहीं आ रहे हैं। पूछो ना, अरे यार दोबारा मैं चिल्लाता रहूं क्या? क्या बात कर पूछो तू। अरे तुम भाई ये देखो रास्ते कितने मस्त मस्त हैं, ऐसे आए अभी तक है ना क्या? हाँ ऐसे रास्ते नहीं मिले थे, बहुत गजब नजारे। सर रूम में दिखाता हूँ, नदी बह रही है नीचे और इतने बड़े बड़े पहाड़। अरे बाइक वाले जैसे पेंगोंग लेक के पास जा रहे हैं, 15 किलोमीटर बचा है यहाँ से भाई। मतलब नजारे एकदम यूनिक होते जा रहे हैं, अब ग्रीनरी आ गई, पहाड़, अब एकदम मिक्सचर आ गया। ये भाई वो वर्ल्ड फेमस लेक पेंगोंग लेक, यहाँ पे 3 डेज की शूटिंग हुई थी एंड में, रेंजर स्कूल दिखाया था मैंने आपको, तो वही सीन है। मतलब यार नजारे यहाँ के एक नंबर भाई, बता रहे 100 किलोमीटर लंबी है, तो इसके ऐसे बगल में चलते रहो साइड अबाउट आ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगी, ऐसा सीन है यार। तो इसको देखने के लिए आज हम आए हैं 250 किलोमीटर बस। भाई साहब मैंने नहीं देखे ऐसे नज़ारे जिंदगी में कभी, मतलब कैमरे में नहीं दिख रही वो वाली बात है ना भाई। पर अरे यार सनरूफ खोलो इसमें, आज तो मैंने भाई को 1 किलोमीटर में चलाने को नहीं दी गाड़ी, तो मैं सनरूफ से कैसे नहीं मिलूंगा यार। हम चलते जा रहे हैं आगे, पता नहीं कहाँ, सारी तो वहीं पे जाना होता है, कहाँ लेके जा रहे हो? चल तो कोई नहीं, क्या हो गया, 2 मिनट में वापस आ जाएंगे।
भाई यार हम तो बीच बीच भी देखे ना भाई, हमने समुन्द्र भी इतने खूबसूरत नहीं होते जितने ये है। दम में तो रंग बदल रहा है यार ये भैया, तू चला ले अरुण, तू बीप बीप करके सबको पीछे तो छोड़ देता है। अरे रुको तो सही, कैप्चर नहीं करूँ ब्यूटीफुल सीन्स। रोड तो इतनी मस्त बना रखी थी हमने, फाइनल रोड से तो उतार दिया, हम गया कितनी आगे जाएं, तो हमने पेंगोंग लेक के लिए रास्ता चुना है और मेन रोड से उतर के। और यहाँ पे कैंप्स आप देख सकते हैं, कैंप्स वैम्प यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अभी रेट वेट पूछेंगे इनसे, हमारी कोई रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है एयरटेल के, तो पता नहीं BSNL के होंगे या नहीं पता नहीं। अब वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। हम वहाँ पे बाद में जाएंगे उल्टे आके, वहाँ से पहले भाई बोले कि रूम ही ले लेते हैं, वो भी ठीक बात है। लेकिन पहली बार जिंदगी में आपको देखिए क्रेटा SX वेरिएंट पुलिस की गाड़ी विद सनरूफ है। हाँ SX वेरिएंट है, अभी नकली SX थोड़ी लगवाई उन्होंने करोल बाग से, भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। देखना यार क्रेटा और ऊपर वो भी लगवा रखा है, अलाउड तो नहीं होती शायद मेरे ख्याल से ऐसे। क्या ऐसे पुलिस की कोई भी गाड़ी बना लो है ना, पुलिस की मर्जी, पैसा होना चाहिए बस है। तो आप पेंगोंग लेक पे हमने रूम भी ले लिया भाई, ₹3500 का मिला है भाई ये रूम, मुझे ठीक लगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों ने हमको डरा दिया था कि पेंगोंग में तो बहुत महंगा है, मिलता ही नहीं है ऐसे। और ये बाथरूम है भाई कुछ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे बाथरूम है, ठीक है मतलब ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहीं से अपने को ये दिखता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है ना भाई, दिखाना नहीं है दिखाने का, देखो अरे ऐसे करके दिखाया करते हैं, नो सर्विस। चलो भाई ये देखो इनकी हरकतें मैं बताता हूँ, यात्री डॉक्टर की, ये यात्री बनते हैं ना। आप एक वीडियो में कह रहे थे टायर की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है क्या होती है TIRE भाई, वो US और UK इंग्लिश आपने पढ़ी हो दोनों तो पता होगा भाई। इतने जगाने के बाद 5 बज रहे हैं, जब जाके पेंगोंग लेक इतने दिनों से, अब जाके पेंगोंग लेक चल रहे हैं। अब भी क्यों चला रहे हो गाड़ी, मैं चलाता हूँ। नहीं क्यों, अरे मेरे को तूने थका दिया, पता है मेरी नींद क्यों आई, क्योंकि तूने मेरे को सुबह से गाड़ी नहीं दी। तो गाड़ी चलाने वाला थकता है या बैठने वाला थकता है? तो भाई मेरे टेंट्स में रुके हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा, और तो मास्क ही टूट गया बताओ यार। वो गाड़ी फंस गई थी उसके चक्कर में, हमने दिन क्या क्या तोड़ दिया, मैट तोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ पे लग गई, और हमारा ये जो ढक्कन है ये भी यार नवांकुर भाई जी ने लगाया था, ये भी कहीं निकल के भाग गया। अरे टिक जा मास्क, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है। जल्दी बैठ, बारिश आ गई, चले चलो। तो फिर हमको अपनी कंपास को ऐसे ऐसे नहीं जाना है, ऐसे आज से मरे मरे से पड़े हैं यार, आज जान नहीं है इनके अंदर, आज तो हमारे अंदर ही चिल्ड है। पानी भी इतना मस्त है, आओ नीचे ले आओ। मास्क का एक तो सुख है यार, ठंड में ना बचाती है बढ़िया, ठंड नहीं लगती मास्क लगाने के बाद, गर्मी में तो यार बहुत मारोगे नोटी बॉय। ये NN है भाई, लिफ्ट चाहिए क्या? ये NN है, नोटी नवांकुर डबल N। आजा भैया बीमार हो जाओगे, मेरे को संभालना पड़ेगा। मैं कौन भाई, मैं लेट आवा, मेरे भाई बिल्कुल मन नहीं यार पता, ये सोने के बाद मैंने बहाने भी बना लिए भाई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, रहने दे ब्रो। देखो हम सॉरी गोली लेके चलते हैं भाई यार, उन्होंने माने नहीं कि कंबल वंबल फेंक दिया मेरा उठा के, मैंने कहा भाई चल यार ये देखो ना जा रहे, आलसी बहुत बड़ा हूं मैं। ओहो अब खोल दो ब्रो सनरूफ, जोर आ गया पेंगोंग लेक देख के। सुबह 5-6 हो गए यार, 12 डिग्री सेल्सियस है लेकिन फील्स लाइक माइनस में हूं, मैं बाहर खड़ा होता हूँ भाई, मैं खोल दूंगा पेंगोंग लेक। पेंगोंग ये देखिए गाइस, दो XUV 3 XUV 300 वाले भाई मिले हैं जिनको चिकन पॉक्स हो गया एक दिन में से। अरुण कह रहा भाई लद्दाख जाते हैं, उसने चिकन खा लिया सरचू से, उसको चिकन पॉक्स हो गया। भाई ऐसे नहीं बोला था मैंने, ऐसे मत बिगाड़ो बात को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो सरचू में उनको दिक्कत हुई सेम अपनी टाइप वाली, सरचू में दिक्कत होने के बाद उनको 2-3 दिन रेस्ट लेना था, लेकिन उन्होंने ले आके
ने चिकन खा लिया और थोड़ा ऐसे वो कंज्यूम कर ली वाइन वाइन, तो बता रहे थे कि तो एक्सट्रीम कुछ हो गया उसको, तो अब वो लेट ही रखा है तो वो जा नहीं रहा। अच्छा, तो वो ये ऑफर कर रहे थे चलो दोस्त चारों भाई संग चलते हैं मेरठ के, है ना। तो कहे पड़ोसी अरुण भाई इतने अच्छे बंदे मेरे को छोड़ के नहीं गए। भाई मैं क्यों जाऊं यार जिसके साथ आया हूं, मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं अकेले अकेले नहीं जाता। कितना अच्छा व्यू, मास्क को संभाल लो। अरे मास्क तोड़वा दिया यार, गाड़ी कैसी, मैं तभी बोल रहा था उस दिन 4x4 ले लो, 4x4 ले लो यार। हम यार मैं वेट कर रहा हूँ सेल्टोस 4x4 में आएगी या फिर निकू भाई से इसको 4x4 कपलर से बनवाएंगे। अरे भाई आज बहुत भाई नोट हो रहे यहाँ से निकलता। हाँ सब कुछ बता दिया मैंने उनको A to Z अपनी जर्नी के बारे में। हाँ मैं थोड़ा सुन तो रहा था फिर मेरी नींद लग गई, टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं कहीं इनको पकाता हूँ। अरे एक आया, अरे भाई बिग फैन है? हाँ इसके, मैं कह रहा अच्छा आप जानते हो मुझे, कह हाँ। तो मैं कह क्या बता रहा क्या ना राइजन पता नहीं क्या बोलने लग गया। मैं कह राइजन भाई मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अरे भाई क्यों पागल बना रहे हो आप, अभी कंपास लेके आए हो आप, एक महीने पहले भी तो आए थे बाइक से। ढूंढ कहाँ पे है एक्सयूवी, वो तो चले गए होंगे उतर के। नहीं नहीं तो पार्क तो करी होगी, करेंगे वो री सबसे एंड में है। हाँ, तुमको वो करेंगे। और भाई ऐसे किया लगा दी गई और स्विफ्ट लगा दिया आगे और पूरे झंडे वंडे स्क्रैच मार दिए, देखो स्क्रैच मार रखे है ना, तो बता रहे कि भाई बहुत एक्सट्रीम केस हो गए, यही बैठे हैं ये भी। हाँ बैठे हैं, बैठे हैं अंदर ही। ले आया आगे आ जाए। और इसी के साथ हम पहुंच गए पेंगोंग लेक। ये देखो भाई ये अलग ही लेवल चीज है, मतलब बीच बीच भी देख रखे हमने चेन्नई यार। और पता है क्या कहना था कि यार नदी में फोटो खिंचा लेते पेंगोंग लेक बन जाती है। अब बता तू भाई जो लाता है बेस्ट रियलिटी में बेस्ट समुंदर लगता है ये। ऊपर से देख रहे थे ना कि खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, 100 किलोमीटर लंबी लेक है ये अंदाजे से, मतलब बहुत ही बड़ी है भाई आप देखोगे। और यहाँ पे वो 3 Idiots वाले वो हुई थी ना शूटिंग, तो यहाँ पे ये लोग ऐसे फोटो खिंचवाना है अगर आपको स्कूटर वगैरह पे या इन पे तो पैसे लेते हैं। बाकी पता है मेन अट्रैक्शन क्या है इसका, यहाँ पीली है यहाँ नीली है कहीं ऑरेंज, अभी बारिश हुई थी जस्ट तो इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, और भाई है एकदम मस्त। बैक टू टेंट्स। और नांगर भाई कैसा लगा पेंगोंग लेक, आपका ड्रीम हुआ पूरा? भाई एक ड्रीम रह गया बस कि गाड़ी वहां तक लेके जानी थी, पर यहाँ पे खोद रखा है कि गाड़ी वहां तक ना लेके जा पाए लोग और फंसे ना, मतलब ऐसा ना खूब ढूंढा हमने लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। अब यार मतलब आपके पास बिल्कुल ही मतलब ऐसी गाड़ी है कि मतलब मॉन्स्टर ट्रक ही है तो आप पार कर सकते हो, वरना कोई गाड़ी यहाँ से पार नहीं कर पाएगी। पर यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलता क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ पे आते आते ना जो नॉन वेजिटेरियन वो खराब हो जाता है, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलता, तो अब जाके देखते हैं क्या मिलता है। भाई हमारे पास है चावल, फिर सब्जी मतलब आलू वाली, और फिर दाल और फिर रोटी, बस यहाँ पे इतना ही है यार। अरे तो नो अंकुर भाई तो सो गए भाई डिनर करने के बाद, अब कल पता नहीं कहाँ निकलेंगे भाई, कल बताते हैं आपको कल की रिपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो जाते हैं भाई बहुत ठंडे यार।